बात करने वाले हैं एमसीयू के फर्स्ट एशियन बेस्ड सुपर हीरो मूवी के ट्रेलर शांग-ची द लेजेंड्स ऑफ टेन रिंग्स के बारे में। सो ट्रेलर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शांग किसी अबैंडन्ड जगह पे जाता है जहां पे वो एक लकड़ी के पिलर पे निशान देखता है, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहां पे हमें ये पता चलता है कि ये वही जगह रहती है जहां पर वो बचपन में ट्रेनिंग करता था। वेल, बचपन वाला देखकर तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं लगा, बट जब मैंने टीनेज वाले शांग को ऐसे करते हुए देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये पंचिंग प्रैक्टिस जो यहां पे कर रहा है वो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने के लिए कर रहा है। एज अगर शांग-ची अपने फुल पोटेंशियल में किसी को पंच करेगा तो सामने वाले की हड्डी टूटना तो फिक्स है। कुंफू में स्ट्रेंथ से ज्यादा उस पर कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी जाती है और शांग-ची तो चलता फिरता कुंफू लेसन है। अब कुंफू की बात उठी चुकी है तो हमें यहाँ पर कुंफू हसल का एक पोस्टर दिखाया जाता है, जो कि इसलिए हो सकता है क्योंकि इस मूवी में एक कैरेक्टर रहता है जो कि आयरन रिंग को पहनकर अपने कुंफू मूव्स को परफॉर्म करता है। एंड शांग-ची के मूवी के अंदर भी जो मैंडरिन है उसके जो रिंग्स है अब उंगलियों की जगह उसके हाथों में मौजूद होने वाले हैं, तो आप दोनों में सिमिलैरिटीज देख ही सकते हैं। वैसे ऐसी थ्योरीज आ रही थी कि मार्वल वालों ने इस बार एक रियलिस्टिक टेक लेते हुए मैंडरिन को ह्यूमन साइज रिंग यानी कि अंगूठी ना देते हुए मैंडरिन को एलियन साइज अंगूठी दिया जो कि ह्यूमंस के हाथ में फिट होते हैं। बट जिस तरह इस सीन में हर एक रिंग परफेक्टली बैठ रहा है मानो शायद ये अपने साइज को रेगुलेट भी कर सकते हैं या फिर हो सकता है कि वो साइज वैसे ही थे। खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि शांग यहाँ पे एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है केटी के साथ, जो कि देखने में एक कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर लग रही है जो हम ऑडियंस के लिए इस मूवी में हंसी मजाक का कारण बनेगी, जिसका ग्लिम्स हमें ट्रेलर के अंदर भी देखने को मिल जाता है जहाँ पे सलमान भॉय से भी ज्यादा खतरनाक ड्राइविंग करते हुए वो इतने महंगे एंड खूबसूरत गाड़ियों के ऊपर से रोनते हुए इस बस को ले जाती है। बट जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। भले ही हमें ट्रेलर से ऐसा लग रहा हो कि केटी एक कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर है, लेकिन उसका सच कुछ और ही है जो कि आगे डिस्कस करेंगे। उस पॉइंट पे आने से पहले ट्रेलर के बैकग्राउंड में जो वॉइस ओवर चल रहा था उसके बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पर हमें सुनने को मिलता है कि वो वॉइस कहता है कि मैंने तुम्हें 10 साल दिए थे जीने के लिए और तुमने इसका क्या किया। तुम हमेशा से मेरी परछाई में रहे हो और मैंने तुम्हें इस कदर ट्रेन किया है ताकि दुनिया का सबसे खतरनाक लोग भी तुम्हें ना मार पाए। एंड अब समय आ चुका है कि तुम अपनी जगह लो मेरे साथ में, जिस पर शांग-ची नो कहता है। वेल, यहाँ से आप समझ ही सकते हैं कि मैंडरिन ने अपने बेटे को 10 साल एंड कहा जा बेटे मौज कर ले और वो सीक्रेटली उस पर नजर रख रहा था, वरना ये ताना नहीं मारता कि 10 साल में तुमने क्या किया। वेल, अब नजर रखने की बात आई गई है तो आप लोगों को याद होगा कि टीचाका का भाई एंजोबू भी वाकांडा से बाहर चला गया था और उस पर नजर रखने के लिए वाकांडा से जूरी को भेजा गया था, लेकिन ये बात एंजोबू को मालूम नहीं थी। तो हो सकता है उसी तरह मे बी केटी वो कैरेक्टर है जिसको शायद तक मैंडरिन ने भेजा शांग-ची के ऊपर नजर या फिर कहें उसके सेफ्टी के लिए। मेरा ऐसा कहने का तथ्य सिर्फ यही है कि कुछ समय पहले शांग-ची के टॉय रिलीज हुए थे जिसमें हमें केटी तीर धनुष के साथ दिखाई देती और एक फेसलेस क्रिएचर भी वहाँ पे था। अब फेसलेस क्रिएचर उतना बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि ट्रेलर में ही हमें उड़ते हुए कुछ दानव देखने को मिले थे प्लस फूडॉक्स भी देखने को मिले थे, बट केटी एज अ वॉरियर इसका हिंट हमें पूरा ट्रेलर में कहीं भी नहीं मिला, जो कि एक सरप्राइज एलिमेंट मूवी के अंदर हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें एज अ व्हाइट लोटस दिखे जो कि कॉमिक्स में तो विलन की तरह काम करती थी, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर वो शांग-ची के साइड में काम करे एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। इसके अलावा मैंडरिन ने शांग को वापस लाने के लिए अपने पंटलो को भेजा था, तो फिर केटी को साथ लाने की क्या जरूरत थी। उसको होस्टेज बना के लाया जा सकता था, लेकिन फिर भी ये इस सवाल का जवाब नहीं देता है कि वो इस टॉय फिगर में एज एन आर्चर क्यों नजर आ रही है, क्योंकि आर्चरी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कुछ ही दिन में आदमी सीख जाए, इसके लिए उसे अच्छी खासी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो इस सवाल का जवाब हमें तो मूवी में मिल जाएगा। वैसे तो ये सच है कि फू मैंचू कॉमिक्स में शांग-ची के डैड थे, लेकिन ये भी सच है कि उसके डैड को कॉमिक्स के शुरुआती समय में मैंडरिन कहा गया था। हालांकि वो मैंडरिन और जो हमें मूवी में दिखाया जाने वाला मैंडरिन है ये दोनों ही अलग है। एज मूवी के अंदर जो मैंडरिन दिखाया जाएगा वो आयरन मैन के मेन विलन में से एक है, जिसको 10 जादुई अंगूठी मिलती है और उससे उसको पावर मिलते हैं। इसको आप लोगों ने आयरन मैन के एनिमेटेड सीरीज के अंदर देखा होगा एज अ मेन विलन, प्लस इससे पहले भी आप लोगों ने आयरन मैन 3 मूवी के अंदर मैंडरिन का नाम सुना ही होगा, लेकिन वो मैंडरिन फेक रहता है जो
असल मैंडरिन है वो ये है। असल में इसी के 10 रिंग्स के ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा स्टार को किडनैप करते हैं आयरन मैन 1 मूवी के अंदर। एंड इस पर थोड़ा सा स्ट्रेच डाला जाए तो उस किडनैप की वजह से ही टोनी के अंदर बदलाव आते हैं और वो आयरन मैन बनता है। खैर इस बात को अभी के लिए साइड करते हैं और ट्रेलर की ओर चलते हैं। तो ट्रेलर में जिस तरह का जैकेट शैंग-ची पहनता है वो येलो कलर का जैकेट मेनली रहता है, बस एक सीन में यानी कि इस बस वाले सीन में वो रेड होता है। तो हो सकता है कि ये सीक्वेंस कुछ इस तरह हो जहाँ पर मैंडरिन अपने लोगों को भेजता है शैंग-ची को वापस लाने के लिए क्योंकि उसका 10 साल का वनवास खत्म हो जाता है, जहाँ पर सबसे पहले लेजर फेस शैंग-ची के ऊपर हमला करता है जब वो बस में रहता है और यहाँ पर किसी तरह शैंग-ची और केटी बच जाते हैं। उसके बाद वो लोग रिलैक्स करने के लिए पार्टी करने के लिए जाते हैं जहाँ पर ऐसे एक फाइट केज वगैरह हमें दिखने को मिलता है जहाँ पर शैंग-ची अपनी बहन से लड़ता है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह शैंग-ची 10 साल के लिए बाहर निकला था उसी तरह उसकी बहन भी निकली होगी और वो यहाँ पे लड़ाई कर रही होती है और शैंग-ची के ऊपर जब हमला होता है तो वो अपनी बहन से हेल्प मांगने के लिए जाता है एज वो उसकी मदद कर सकती है। खैर इतने सालों बाद अचानक से शैंग-ची अपनी बहन से मिलने आया है तो इन दोनों का मिलन कुछ अच्छे फाइट सिक्वेंस के साथ यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सेम येलो जैकेट पहन के वो डेथ डीलर से लड़ता है और यही सेम जैकेट में वो मैंडरिन के खुफिया इलाके में भी जाता है। इसके अलावा जब वो अपने पापा का ऑफर ठुकराता है तब भी वो सेम येलो जैकेट ही पहना हुआ रहता है। मतलब कि शैंग-ची को वापस घर लाने से पहले हमें एटलीस्ट 3 हैंड टू हैंड खतरनाक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा। प्लस मैंडरिन की ओरिजिन स्टोरी जब बताई जाएगी वहां पर भी हम आर्मीज की फाइट देखने वाले हैं और एंड फाइट सीक्वेंस तो धाकड़ होने ही वाला है। मतलब ये मूवी एक्शन से भरपूर होने वाली है। वेल सच कहूं तो ये 10 रिंग्स पहनकर यहां पर बार में टेबल तोड़ने वाला सीन मुझे बहुत ही इंसल्टिंग लगा। एज इतना बड़ा विलन यहां पर आके ऐसे कर रहा है ये बिल्कुल भी उसको शोभा नहीं देता है। बट मे बी हो सकता है वो ये सिर्फ अपने बेटे को अपने पावर्स दिखाने के लिए कर रहा है। एज ट्रेलर में हम देखते भी हैं कि एक सीन में वेनवू यानी कि मैंडरिन अपने बच्चे यानी कि शैंग-ची के साथ ऐसे किसी बार वाली जगह पे जाता है। बट जो चीज 10 रिंग्स के असली पावर्स को दिखाती है वो ये है कि वेनवू यानी कि मैंडरिन यहाँ अकेले पूरे आर्मी पर चार्जिंग कर देता है और आर्मी के कुछ लोग जो बच जा रहे हैं उनको निपटाने के लिए मैंडरिन के पीछे से आर्मी आ रही होती है। मे बी ये वो जगह हो जिसको कॉन्कर करके ही आज के समय में मैंडरिन ने अपना राज वहां पे स्थापित किया है। इस सीन में वेनवू एक महिला के साथ लड़ रहा होता है जो कि हरियालियों के बीच में रहती है, वो भी 1-on-1, और ये शैंग-ची की माँ हो सकती है जिसका नाम जियांग ली है जो कि हमें फंको टॉय से पता चला। वैसे ट्रेलर के इस सीन में जहाँ पर हम मैंडरिन को यहाँ पे खड़ा देखते हैं और पानी अचानक से एक मिस्टीरियस वे में हवा में उड़ने लगती है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंडरिन ने अपने पावर को एक्टिवेट भी नहीं किया था लेकिन फिर भी वो ऐसा कर पा रहा था। तो हो सकता है कि वो इन सब का इस्तेमाल बिना अपने पावर को टैपिंग किए बगैर भी कर सकता है। लेकिन जब वो अपने फुल फॉर्म में रहता है, मतलब कि किसी आर्मी से फेस करना होता है, तब तो उसे अपने मैक्स पोटेंशियल में ही रहना होगा, तब वो रिंग्स को ऐसे अरेंज करता है और यहीं से उसकी पावर चार्जिंग होती है। भले ही यहाँ पर आपको हर चीज हेजी लग रहा हो लेकिन दो फूडॉक्स तो दिख ही रहे होंगे जो कि मेजोरिटी उसी जगह पर होते हैं जहाँ पर किसी चीज को बचाना रहता है। प्लस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो कलर रहता है इस कॉस्ट्यूम का वो ब्लू कलर का है और सेम कलर के कॉस्ट्यूम में हम उसे यहाँ पर शैंग-ची से लड़ते हुए देखते हैं, विच इम्प्लाइज कि ये प्रेजेंट टाइम में टेक प्लेस कर रहा है। वहीं शैंग-ची के कॉस्ट्यूम की कलर ग्रेडिंग पे नजर डाले तो ये उनसे मैच खाता है जिनके खिलाफ मैंडरिन लड़ रहा होता है। तो ऐसे में मैं एक छोटा सा स्टोरी प्रेडिक्शन करना चाहूंगा और इसीलिए यहाँ पर एक स्पॉइलर वार्निंग भी। तो गाइस हो सकता है कि शैंग-ची को बचपन से मैंडरिन इससे ट्रेन कर रहा था ताकि वो फ्यूचर में जाके फिर से किसी ऐसे ड्रैगन को मारे या फिर उसके पास से वो ऐसे पावर रिंग्स निकाले जिसे वो अभी पहन रहा है, लेकिन उसको पहनने वाला मैंडरिन के जैसा और मैंडरिन का ही खून का होना चाहिए ताकि वो उसके प्रति लॉयल रहे। अगर वो उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा तो उसके लिए खतरा बन सकता है और इसीलिए मैंडरिन ने शैंग-ची को ट्रेन किया और इस काबिल बनाया कि वो उसके साइड बाय साइड खड़ा हो सके। लेकिन जब समय आया और उसने कहा शैंग-ची को कि चलो साथ में उस रिंग को लेते हैं और शैंग-ची ने मना कर दिया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसलिए होगा क्योंकि उसके मॉम के साथ जो हुआ उसके लिए वो अपने डैड को ही जिम्मेदार मानता होगा। शैंग-ची की बहन भी पहले अपने डैड के साइड होगी लेकिन एंड आते आते तक वो शैंग-ची के साइड हो जाएगी और मैंडरिन को हराने के बाद वो 10 रिंग्स में मैंडरिन की जगह लेगी और अपना हीरो शैंग-ची आजाद दुनिया में घूमेगा। मैंडरिन का मेन मोटिव द वैली ऑफ स्लीपिंग ड्रैगन में किसी ड्रैगन
को अवेक करके उसके रिंग्स को हड़पने का था, लेकिन शांग-ची के मना कर देने के बाद से उसने प्लान पे थोड़ा सा चेंज ला दिया और उस ड्रैगन को जगा कर तबाही लाने का प्लान बनाया था, जिसको लेकर ही एंड में फाइट सिक्वेंस होंगे। एंड फनको टॉय के जरिए हमें ये पता चला है कि एक रेड एंड व्हाइट ड्रैगन हमें देखने को मिल सकता है, जिसको प्रोटेक्टर का टैग दिया गया। तो हो सकता है यही ड्रैगन मदद करे शांग-ची की 10 रिंग होल्डर मैंडरिन की पुंगी बजाने में। प्लस अगर हम कलर ग्रेडिंग पे ध्यान दें तो ड्रैगन का कलर और शांग-ची के कॉस्ट्यूम का कलर भी बहुत हद तक मैच खाता है। बाय द वे, हम मैंडरिन को यहाँ पे पानी के साथ खेलते हुए तो देखते हैं और यहाँ पर ये भी देखते हैं कि इसके रिंग्स एक्टिवेटेड नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर पा रहा है। लेकिन मूवी के अंदर हम शांग-ची को भी ऐसा करते हुए देखेंगे, जो कि कंफर्म किया गया है फनको टॉय द्वारा। उसके हाथ में जो स्टाफ रहता है वो बहुत ही सिमिलर हद तक योद्धाओं के स्टाफ के जैसे मैच खा रहा होता है, जो कि ऑरेंज ग्लो कर रहे होते हैं, जो कि हो सकता है कि एल्डिश मैजिक हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपने अंदर के ची को इसमें चैनलाइज कर रहे हो। तो शांग-ची के जैसा ही एक नेकलेस हम उसके बहन के पास भी देखते हैं, जो कि हो सकता है कि शांग-ची की माँ की आखिरी निशानी हो, जिसको शांग-ची और उसकी बहन को मिला हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि मैंडरिन ने ये उन दोनों को दिया हो और इसी की मदद से वो ट्रैक रिकॉर्ड रख पा रहा है कि उसके बच्चे कब कहाँ पर है। वैसे मैं तो इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एज फाइनली एमसीयू के अंदर कोई ऐसा कैरेक्टर जिसकी ट्रेनिंग से लेकर एकदम स्टैब्लिश्ड कैरेक्टर तक की जर्नी अच्छे से दिखाई जाएगी। आई जस्ट प्रे कि एक्वामैन के जैसे जल्दी जल्दी इसकी ट्रेनिंग वाले पार्ट को पार ना कर दिया जाए, वरना कैरेक्टर में थोड़ा सा डेप्थ की कमी हो सकती है। आपको कैसा लगा ये ट्रेलर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। आई नो ट्रेलर ब्रेकडाउन लेट भी है और शायद अप टू द मार्क भी ना हो, बट फिर भी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। वह आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करें और अपने राय कमेंट सेक्शन के जरिए बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। बाकी हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें, कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।